मिस्टर दानियल की किताब में आई है। दानियल की किताब लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैस से जो वो पीता था ना पाक ना करे। इससे उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को ना पाक करने से मासूर रखा जाए। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फहम था। दूसरी बात में कसियों ने बादशाह से अर्ज की कि वे जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किया किसी फालियर या नजूमी या कसी से किया हो और जो बात बादशाह तल करता है नहायत मुश्किल है और देवताओं के सिवा जिनकी सकूनत इंसान के साथ नहीं बादशाह के हजूर कोई उसको बयान तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिर कर दानियल को सजदा किया और हुक्म दिया कि उससे हथिया दे और उसके सामने बाखूर जलाए। बादशाह ने दानियल से कहा फी अल हकीकत तेरा खुदा मबूदों का मबूद और बादशाहों का खुदावंद और बेतों का खोलने वाला है क्योंकि तू इस राज को खोल मेरे साथ पहले बाप में आएंगे हम आठवीं आयत आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैस से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की जो अपने आप को नापाक करने से मासूर रखा जाए। बाइबल मदरस का पढ़ा सुना जनाब सब अपने बाइस से बदल हो सब हालेलुया हालेलुया। आज जैसा कि आप जानते हैं शेरवानी की इबादत है और ईशाई मानी की इबादत आम इबादतों की वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं आज दानियल के मुतालिक बात करने को लेकिन मैं आज दानियल का सरसी तौर पर तारुफ कराऊँगा और अब हम दानियल को खुदा के कलाम में इसे सीखेंगे क्योंकि दानियल एक बड़ा अजीम
शख्स गुजरा है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के तीन नाम थे। पहला जो इब्रानी नाम था उसका दानियल था, दूसरा उसका नाम था बेल्तशस्सर, तीसरा उसका नाम था अजीज मर्द। हालेलुया, हालेलुया। नबूकदनेस्सर बादशाह एक बड़ा जापर बादशाह गुजरा है, ये बड़ा जालिम बादशाह बाइबल मुकद्दस में गुजरा है। खुदा के कलाम में दर्ज है इसे यरूशलेम शहर पर चढ़ाई थी और यरूशलेम शहर को तबाह कर देता है। यरूशलेम शहर के अंदर जो हैकल थी जो सुलेमान बादशाह ने बनाई थी, बाइबल में लिखा उस हैकल को भी ये बर्बाद कर देता है। उसके अंदर जो सोने के ज़रूफ थे, जो बर्तन थे, वो उनको लेकर आता है और बाबल शहर में अपने बुतखाना के अंदर उन मुकद्दस बर्तनों को रखता है। और बाइबल मुकद्दस में दर्ज है कि ये यरूशलेम शहर से कुछ यहूदियों को असीर करके गुलाम बनाकर अपने शहर बाबल में ले आता है। अब खुदा के कलाम में दर्ज है इसने ख्वाजा सराओं के सरदार को मुकरर किया कि जो यहूदी लोग यरूशलेम शहर से आए हैं उनमें से नौजवानों को देखो जो खूबसूरत हो, जिनमें हिकमत हो, उनको 3 साल तक ट्रेन किया जाए, तालीम दी जाए ताकि वो बादशाह के दरबार में बादशाह के सामने खड़े हो सके। उसके लिए बादशाह ने यह हुक्म दिया था कि जो शाही खुराक मैं खाता हूं वही इनको दी जाए, जो मैं पीता हूं वही नौजवानों को 3 साल तक दी जाए। 4 यहूदियों का भी इंतखाब किया गया जो इस तालीम की मराहिल में से गुजरेंगे जो 3 साल का है। बाइबल में क्या, जब दानियल को पता चला कि मेरा नाम भी आ गया तो खुदा के कलाम में लिखे दानियल ने अपने दिल में इरादा कर लिया कि वो ये शाही खुराक नहीं खाएगा और ये शाही मैं नहीं पिएगा। उसने कहा मैं ये खुराक और ये मैं खा पीकर अपने आप को नापाक नहीं करूंगा। बाइबल के दानियल ने अपने दिल में इरादा कर लिया। आज का जो हमारा मौसू है वो है इरादा, फैसला। बाइबल में कहा दानियल ने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं ये शाही खुराक नहीं खाऊंगा। उसके दोस्तों भी कहा हम भी नहीं खाएंगे। आखिर इस खुराक में ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने कहा हम ये खाकर नापाक हो जाएंगे। याद रहे शरीयत में पाक और नापाक जानवरों की बड़ी वजाहत से तालीम दी गई है, कौन से जानवर नापाक है खाने के लिए और कौन से जानवर पाक है खाने के लिए। इनमें कुछ जानवर ऐसे थे जो नापाक थे, जिसमें सुअर हो सकता है, जिसमें ऊंट हो सकता है, जिसमें खरगोश हो सकता है, इनका होश हो सकता है। दानियल का मैं ये खुराक नहीं खाऊंगा, बेशक ये शाही खुराक है। मैं नहीं पीऊंगा, बेशक ये शाही मैं है। मैं ये खा पीकर अपने आपको नापाक नहीं करूंगा। जिस शख्स को बादशाह ने मुकरर किया था उस शख्स के सामने दानियल ने दरख्वास्त की कि मैं ये खुराक नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता। उस शख्स ने कहा अगर तू ये शाही खुराक नहीं खाएगा, ये शाही मैं नहीं पिएगा, तो तेरे चेहरे उन लोगों के चेहरों के निस्बत जो शाही खुराक खाते हैं कब रौनक और ताज की नजर आएगी, तो बादशाह मेरा सर
कलम कर देगा। मैं बादशाह से डरता, बादशाह बहुत सख्त है, उसने हुक्म दिया है 3 साल तक इन नौजवानों को शाही खुराक खिलाई जाए, 3 साल तक इनको शाही नहीं पिलाई जाए। दानियल अगर तू नहीं खाएगा नहीं पिएगा तो तेरा चेहरा इनकी इनके चेहरे की निस्बत सादा, तेरे चेहरे पर रौनक नहीं होगी, ताजगी नहीं होगी। तो बादशाह मुझसे पूछेगा, बादशाह मेरा सर कलम कर देगा, बादशाह मुझे सजा देगा, क्योंकि बादशाह बड़ा सख्त है। दानियल ने कहा 10 दिन तक आजमाया जाए, मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 10 दिन तेरे सुर दरखास्त करता हूं, 10 दिन तक हमें आजमाया जाए, हमें खाने को साफ पात और पीने को पानी और इनको शाही खुराक खिलाई जाए और मैं पिलाई जाए। 10 दिन के बाद अगर हमारे चेहरे इनके चेहरों की निस्बत कम रौनक और ताजगी नजर आए तो जो सजा तो हमें दे हमें मंजूर है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन ने कहा 10 दिन दानियल ने और उसके दोस्तों ने साफ पात और पानी पिया, इस ग्रुप ने 10 दिन तक शाही खुराक खाई और मैं पी। बाइबल में फरमाती है कि जब 10 दिन के बाद इनके चेहरों का मुआसला किया गया तो दानियल का चेहरा और उसके दोस्तों का चेहरा इनकी निस्बत जो शाही खुराक खाते थे सादा ताजगी और रौनक इनके चेहरे पर। उसके बाद उस शख्स ने इनके लिए शाही खुराक को माकूफ कर दिया। ये 3 साल तक सिर्फ साफ पात और पानी पी रहे, ये शाही खुराक खा रहे, शाही नहीं पी रहे हैं। बाइबल फरमाती है जब 3 साल के बाद ये सब के सब बादशाह के सामने पेश गए तो खुदा के कलाम में दर्ज है बादशाह ने इनसे सवाल किए, बादशाह ने इनसे गुफ्तगू की। खुदा का कलाम फरमाता है कि दानियल और उसके दोस्त इनकी निस्बत जो शाही खुराक खाते थे चर्च 10 दर्जे बेहतर इनमें हिकमत पाई गई। कितने दर्जे? 10 दर्जे, यानी 10 दर्जे खुदा ने इनको ऊपर रखा। खुदा के कलाम में लिखा जब दानियल ने इरादा कर लिया, उससे भी दिल में इरादा कर लिया मैंने अपने आप को नापाक नहीं करना, ये शाही खुराक खाकर मैंने अपने आप को नापाक नहीं करना, ये शाही मैं पीकर मैंने अपने आप को नापाक नहीं करना। उसके बाद खुदा के कलाम में दर्ज है तब खुदा ने इनको हिकमत से नवाजा, तब खुदा ने इन्हें हिकमतमंदी अता की। और बाइबल में क्या दानिये को खुदा ने हर किस्म की रोया और खाब पर साइबे फहम दिया। तब का मतलब है फिर आए जरा पढ़ते क्या लिखा है। दानियल की किताब पहला बाब 17 की आयत, तब खुदा ने इन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साइबे फहम था। ये बात कब की गई, कब वकूह में आई? जब दानियल ने अपने दिल में इरादा किया उसके बाद लिखा तब खुदा ने उनको हर तरह की मार्फत और हिकमत से नवाजा और दानियल को हर किस्म की रोया और ख्वाब पर साइबे फहम हासिल था। तब फिर उससे पहले नहीं, उससे पहले दानियल के इरादा करने के बाद, उसके दिल में फैसला करने के बाद, जब उसे पता चला कि मैं भी उस फहरिस्त में आ गया हूं जो 3 साल तक ट्रेनिंग हासिल करेगा, जुबान हासिल करेगा, इल्म हासिल करेगा, शायद खुराक खाएगा, शायद मैं पिएगा, भाई मैं भी खसरे में दिल में इरादा कर लिया।
याद रहे जहां पर दानियल मौजूद है इस जगह पर इरादा ऐसा करना ये फैसला आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? सवाल जेन में उठता है क्यों आसान नहीं है? याद रहे दानियल इस वक्त आसान नहीं कैद है। दानियल इस वक्त आसान नहीं है, दानियल इस वक्त कैद में है, दानियल इस वक्त गुलामी में है। इसके बाद जब दूसरा बाप शुरू होता है तो भाई में गदर्स में क्या है, नबूकदनेस्सर एक ख्वाब देखता है और ख्वाब को जब देखता है तो उसकी उसकी घबराहट उसकी परेशानी बढ़ जाती है। वो बाबर के तमाम जादूगरों को बुलाता है, बाबर शहर के तमाम नजूमियों को बुलाता है, बाबर शहर के तमाम फालकिरों को बुलाता है और उससे कहता है तुम मेरा ख्वाब बताओ और उसकी ताबीर करो। मैंने जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब बयान करो और उसकी ताबीर भी बयान करो। भाई ने कहा यहां पर नबूकदनेस्सर बादशाह सामने खड़ा है, बाबल शहर के तमाम जादूगर तमाम नजूमी तमाम फालगीर तमाम दानिशमंद तमाम हकीम जो है बादशाह के सामने खड़े हैं। बादशाह से कहता है मेरा ख्वाब बयान करो उसकी ताबीर भी करो। लेकिन वो बादशाह से कहते बादशाह ख्वाब बताओ हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूं, ख्वाब भी तुमने बताना है ताबीर भी तुमने करनी है। यहां पर खोर तलब लफ्ज है जो फालगिरों ने कही, जो हकीमों ने कहे, जो जादूगरों ने कहे, जो नजूमियों ने कहे। उन्होंने कहा बादशाह रोए जमीन पर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो सवाल को कर रहा है कि इसका जवाब दे सके। ख्वाब तूने देखा है वो कैसे बताए कि तूने ख्वाब क्या देखा। हम तो ये कह रहे हैं हम ताबीर बताने के लिए मौजूद है, ख्वाब बताओ क्या बताओ, ख्वाब बताओ हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह कहता है मैं बता चुका हूं, ख्वाब भी तुमने बताना है और ताबीर भी तुमने करनी है, और अगर तुम ना बता सके तो याद रहे आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आज के बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे घर जो है वो मसमला हो जाएंगे। देखिए बाबल शहर में एक भी शख्स न निकला जो बादशाह के सामने खड़ा होकर बादशाह के सवाल का जवाब दे सके। हालेलुया। आइए जरा दानियल की किताब में चलते हैं मेरे साथ, चले दानियल की किताब में। नजूमियों के फालगिरों के लफ्ज क्या थे जो उन्होंने बादशाह के सामने पेश किए? दानियल की किताब दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत आपके सामने खुदा के कलाम में से बयान कर ली। कसियों ने बादशाह से अर्ज की कि रोए जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ है जिससे कभी ऐसा सवाल किसी फालगिर या नजूमी या कसी से किया हो। हालेलुया हालेलुया। उससे कहा बादशाह तूने आज कोई पहली मरतबा ख्वाब नहीं देखा, तो उससे पहले भी कई बादशाह गुजरे जिन्होंने ख्वाब देखा और उन्होंने ख्वाब बयान किया और लोगों ने उस ख्वाब की ताबीर की, जिसमें यूसुफ भी गुजरा है जिसने फिरौन के ख्वाब की ताबीर की, उसको भी ख्वाब आया, उसके ख्वाब ने उसकी बेचैनी को बढ़ा दिया, उसकी नींद जाती रही, लेकिन उससे ख्वाब बयान किया और यूसुफ ने उसकी ताबीर की। उससे कहा बादशाह कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा रोए जमीन पर अमीर हाकिम या कोई शख्स जिसने कभी ऐसा सवाल किया जैसा तू कर रहा है। उसके रोए जमीन पर ऐसा कोई इंसान नहीं है
जो तेरे सवाल का जवाब दे सके। हालेलुया, जो तेरे सवाल का, आगे उन्होंने क्या कहा, और जो बात बादशाह तंग करता निहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सकूनत इंसान के साथ, जिनकी सकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के सुर को ही उसको बयान। इस लफ्ज को गौर से सुनिए, ये लफ्ज बाबल शहर के नजूमियों के लफ्ज है, ये लफ्ज बाबल शहर के फालकिरों के लफ्ज है, ये लफ्ज बाबल शहर के जादूगरों के लफ्ज है। हालेलुया, उन्हें का कोई देवता ऐसा नहीं जिसकी सकूनत इंसान के साथ हो, जिसकी सकूनत इंसान के, उसका कोई देवता ही ऐसा नहीं है जिसकी सकूनत इंसान के साथ हो। उसी का तेरे सवाल का जवाब सिवा किसी महबूद के और कोई शख्स दे, किसी महबूद के अलावा तेरे सवाल का कोई और जवाब, और महबूदों की सकूनत का इंसानों के साथ नहीं है। ये बात गैर अकवाम की तो हो सकती है, लेकिन जब हम अपने खुदा के बारे कलामे मुकद्दस में पढ़े तो फिर बात हमें कोई और ही नजर आती है, फिर बात हमें कोई। खुदा ने अपने खातों को बाइबल मुकद्दस में हम रास कहा है, खुदा ने अपने लोगों को कहा ये मेरे हम रास हैं। दीगर अकवाम के मानने वाले कह सकते हैं कि तेरे सवाल का जवाब सिवाय देवता के कोई और दे नहीं सकता, और देवताओं की सकूनत का इंसानों के साथ नहीं है। ये दीगर अकवाम के लोग तो कह सकते हैं, लेकिन जिस खुदा की इबादत मैं और आप करते हैं वो अपने लोगों को हमराज कहता है। बाइबल में जब खुदा सदूम और शहर को बर्बाद करने को था तो खुदा ने कहा मैं इतना बड़ा काम करने को, तो क्या इस बात को मैं अपने बंदा अब्राहम से पोशीदा रखूं जिससे मैं कौम पैदा करने को। अमोस की किताब में लिखा खुदावन खुदा उस वक्त कुछ नहीं करता जब तक पहले अपना वेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले अशकारा। गैर कौम के लोग ये कह सकते हैं जो देवी देवताओं को मानते हैं कि देवताओं की सकूनत का इंसानों के साथ नहीं है, लेकिन मेरा और खुदा ऐसा नहीं कह रहा चर्च, मेरा और आपका खुदा ऐसा, वो कहता है मैं इतना बड़ा काम करने को, मैं सदूम बुरे शहर को बर्बाद करने को हूं, और इस बात को मैं अपने बंदा अब्राहम से पोशीदा रखूं, उसे कहा नहीं मैं उसे बताऊंगा, मैं उसे खुदा के कलाम में लिखा खुदा उस वक्त कुछ नहीं करता जब तक पहले अपना पेट अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले अश्कारा ना कर। नजूमी बादशाह से कहते हैं ये मुश्किल सवाल है जो तुमने पूछा, रोई जमीन पर कोई इंसान नहीं जो तेरे सवाल का जवाब दे सके, उसका तेरे सवाल का जवाब सिवाय देवता के और कोई नहीं दे सकता, और देवताओं की सकूनत का इंसानों के साथ नहीं है। लेकिन बादशाह ने हुक्म सादिर कर दिया कि जितने बाबल शहर के अंदर नजूमी है, जितने बाबल शहर के अंदर जादूगर है, जितने फालगिर है, जितने हकीम है, सबको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जिस शख्स को मुकरर किया कत्ल करने के लिए, दानियल ने उससे पूछा बादशाह ने इतना सख्त हुक्म क्यों दिया, बादशाह ने इतना सख्त हुक्म क्यों दिया। इसलिए कि बादशाह ने कहा कि मेरा ख्वाब बताओ, उसकी ताबीर भी बताओ, तो कोई उसे बयान ना कर सके। अर्जुक उस शख्स का नाम था जिसको बादशाह ने मुकरर किया, और ये जेल दलों का सरदार था। इसको था जितने बाबल शहर के अंदर जो भी है सबको कत्ल कर, जितने फालगिर है सबको कत्ल कर, जितने जादूगर है सबको कत्ल कर दो, जितने हकीम है सबको कत्ल कर दो। दानियल ने अर्जुक से कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे बादशाह के पास लेकर जाओ।
अब दानियल को बादशाह नबूकदनेस्सर के पास जब पेश किया गया, बाइबल में कहता दानियल बादशाह से कहा, बादशाह मुझे मोहलत दे, मैं तेरे ख्वाब का भी वो भी बताऊंगा जो तूने ख्वाब देखा है और उसकी ताबीर भी बयान, मैं तेरा ख्वाब भी बताऊंगा जो तूने देखा है और उसकी ताबीर भी। बादशाह का ठीक है, मैं तुझे मोहलत दे, मैं तुझे मोहलत, मेरे पिछले द्वार पे आओ, खुदा के बात करने के लिए कई तरीके बाइबल का दर्शन मिलते हैं, उन तमाम तरीकों में से एक तरीका खुदा ख्वाब के जरिए का होता है। खुदा ख्वाब के जरिए से आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, जो लोग बहुत दुआ करते हैं, खुदा के डर ख्वाब में रहते हैं, खुदा वो जब सोते हैं खुदा उसे कहा, एक है खुदा गोया के जरिए से काम करता है, जिस तरह मेरी आंखें खुली हैं, आपके आगे खुली, आप इस तरह से कोई मंजर देख रहे हैं, इस तरह से खुदा कलाम कर सकता है। खुदा के कलाम करने के कई एक तरीकाकार हैं। दानियल ने नबूकदनेस्सर से कहा, मुझे मोहलत दी जाए, मैं तेरे ख्वाब का ख्वाब भी बताऊंगा जो तुमने देखा है उसकी ताबीर भी, क्योंकि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं वो बेतों और रासों को फाश करता है। बादशाह का ठीक है। अब दानियल अपने घर में जाता है, अपने दोस्तों से जाकर के बात करता है, ये सब दुआ करते हैं, खुदा से कहते हैं, खुदा तू बेतों को खोलने वाला, तू रासों को खोलने वाला, तू हिकमत और मार्फत के खजाने तेरी तरफ से, लेकिन वो दुआ करके सो जाते हैं, दुआ करके दानियल ख्वाब देख रहा है, दानियल ख्वाब देख रहा है, बहुत बड़ी मोहलत है, वो देख रहा है बहुत बड़ी मोहलत है। और उस मोहलत का जो सार है वो खाली सोने का है, एक बहुत बड़ी मोहलत है, उस मोहलत का जो सार है वो खाली सोने का है, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसके उसके शिकम और उसके रानी तांबे की है, और उसके टांगे लोहे की है, और उसके पांव कुछ लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के। अब इस मूर्त को गौर से देख रहा है कि देखते देखते एक बहुत बड़ा पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा जाता है, और वो पत्थर आकर मूरत के पांव के साथ टकराता है। अब पांव जो लोहे और मिट्टी के हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो पत्थर टांगों के साथ टकराता है जो तांबे की थी, वो भी टुकड़े हो जाती है, उसके बाद वो शिकम और बांसों के साथ टकराता है, वो भी टुकड़े हो जाते हैं जो चांदी के थे, उसके बाद उसके सर के साथ जो सोने के साथ टकराता है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह ये पूरी मूरत जो है टुकड़े टुकड़े हो जाती है और हवा में भूसे की माने बिखर जाती है, और उसका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहां चली। अब वो पत्थर जो मूरत के साथ टकराया था वो देखते देखते बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है और पूरी जमीन पर फैल जाता है। दानियल बादशाह से कहते, बादशाह वो ख्वाब ये है जो तुमने देखा है, अब इसकी ताबीर सुन। उससे कहिए तेरे बाप की सल्तनतें हैं, पहली सल्तनत तू है बाबल, फिर जो राज, फिर फारस, फिर रोम। उससे कहिए वो पांच सल्तनतों का जिक्र किया गया है। आप जानते हैं जब दानियल ने ख्वाब और उसकी ताबीर बयान की तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने आयत पढ़ ली, आयत पढ़ लेते दानियल की किताब में आएंगे दूसरे बाब में, दानियल की किताब दूसरा बाब 46वीं आयत, दानियल की किताब दूसरा बाब 46वीं आयत। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिर कर किसको सिद्धा किसे किया जा रहा है,
आगे चलते हैं। बादशाह ने मुंह के बल गिर कर दानियल को और हुक्म दिया कि उससे हत्या दी और उसके सामने बाहोर चलाए। बादशाह ने दानियल से कहा, फी अल हकीकत तेरा खुदा महबूदों का महबूद और बादशाहों का खुदावन और बेतों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल। ये बादशाह कौन है जो दानियल को सीधा कर रहा है? वो है जिसे दानियल के शहर को और उसकी हैकल को, जो वो इबादत करता था, बर्बाद कर दिया और दानियल को गुलाम बनाकर अपने शहर में। दानियल ने जो ख्वाब बताया उसकी ताबीर की, तो बादशाह क्या कर रहा है? किसको सीधा कर रहा है? नबूकदनज़र दानियल के हक में था या उसका खिलाफ था? एक और वाला पढ़ते फिर बाद आपको सही समझ में आएगा। यसाया की किताब में मैं चाहता हूं चर्च में से कोई बुलंद आवाज से पढ़े ही आए थे। यसाया 49:23 आए थे, बुलंद आवाज से। तेरे मरूपी होंगे और उनकी बीवियां तेरी दाइयां होंगी, वो तेरे सामने मुंह के बल जमीन पर और तेरे पांव की खाक, और तू जानेगी कि मैं ही खुदावंद हूं जिसके मुंतजर शर्मिंदा, जिसके शर्मिंदा, जिनके मुंतजर शर्मिंदा। खुदा कहते हैं जो तेरे दुश्मन है तेरे सामने झुकेंगे और तेरे पांव की खाक चाटेंगे, ताकि लोग जान ले कि जो मेरे मुंतजिर हैं वो शर्मिंदा। हालेलुया। लेकिन कलीसिया के पीछे दानियल का बहुत अहम किरदार है। उससे कब अपने दिल में इरादा किया? जब इरादा करना आसान था। आज हम इरादे करते हैं हालात को देखकर, अपने गिरदोलवा के हालात को देखकर, फसाद को देखकर। ना हालात दानियल के हक में थे, ना फसाद दानियल के हक में थे। दानियल तो जानता भी ना था कि मेरे इस इरादे ने मेरी जिंदगी में क्या हलचल मचा देनी। उसकी तो सिर्फ सोच ये थी, मैं शाही खुराक खाकर अपने आप को नापाक नहीं करूंगा, मैं शायद मैं पीकर अपने आप को नापाक
इसका मतलब क्या है कि मैं अपने खुदा को नाराज नहीं करूं। मैंने कहा तेरे दुश्मन जो तुझसे कीना रखते हैं, तेरे साथ झगड़ते हैं, अगर तू मेरे कलाम पर कायम रहा तो वो तेरे सामने मुंह के बल गिरेंगे और तेरे पांव की खाक चाटेंगे। नबूकदनेस्सर किसके सामने गिर रहा है? दरअकीकत का तो दानियल ही नजर आ रहा है, लेकिन दानियल में खुदा है। वो यहूदियों के खुदा को सिजदा कर रहा है और इकरार कर रहा है, मबूदों में तेरी मानित कोई मबूद नहीं। जिंदा खुदा के जोर में झुक रहा है जिसको यहूदी लोग मान रहे। यूनानी यीशु मसीह के शागिर्दों के पास आते हैं, आकर कहते हैं हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को। तो आज अगर गैर कौम कह दे हमें कि हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हम आपके खुदा को देखना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे दिखाएं? यीशु मसीह ने कहा लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। जब लोग आपकी जिंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक देखेंगे तो वो कहेंगे इनका खुदा इनमें बसता है। दर हकीकत वो दानियल को सजदा नहीं कर रहा, दानियल के अंदर जो है वो उसको सजदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल ने इरादा कर लिया, मैंने इस सुराग से अपने आप को नपाक। आप जब खुदा के कलाम पर खड़े रहते आप सोच भी नहीं सकते, आपका एक इरादा, आपका एक फैसला जो खुदा के कलाम के मुताबिक है आपको कहां पर लेकर जाने वाला है। तो हो सकता है आप देख रहे सब खराब हो रहा है, हालात मेरे खिलाफ हो रहे हैं, लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, फसा मेरे खिलाफ हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ रखा हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। दानियल ने सिर्फ ये कहा मैंने अपने आप को नापाक नहीं करा, मैंने अपने खुदा को नाराज नहीं करा। तो जानता भी नहीं था एक वक्त ऐसा आएगा जब उनका नजर बादशाह में सिंगा करेगा। दानियल की जिंदगी का बड़े चर्च, उसे जब भी खुदा से कुछ बड़ा लिया जिंदगी और मौत का फैसला कर लिया। यहां पर दानियल की भी गर्दन उड़ाई जा सकती थी उसके इस फैसले से, उसे उसकी परवाह नहीं, उसे उसकी परवाह, उसके मैंने अपने खुदा को नाराज नहीं किया। उसे अपने दिल में इरादा कर लिया मैंने ये शाही खुराक खाकर अपने आप को नपाक नहीं करना, मैंने ये शाही मैं पीकर अपने आप को नपाक। उसके इरादे ने उसे उस सरजमीन पर इतना सरफराज किया कि बाबल शहर में उसकी जैसी हिकमत और मार्फत किसी के पास नहीं थी। आए पढ़ लेते इस बात पर, पढ़ लेते दानियल के फैसले उसकी जिंदगी में किया गया। पहले बाप में आते हैं दानियल, पहला बाप दानियल, पहला बाप दानियल, पहला बाप 19 से आपके सामने पढ़ते हैं। और बादशाह ने उससे गुफ्तगू की और उनमें से दानियल और हननिया और मिसाइल और अजरिया की मान कोई न था। इससे बादशाह के हुजूर खड़े रहने लगे और हर तरह की खर्चमंदी और दानिश्वरी के बाप में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा उनको तमाम वालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे, कितने दर्जे, एक दर्जे, दो, तीन, 10 दर्जा बेहतर पाया, 10 दर्जा बेहतर पाया। हालेलुया, आते खुदा के कलाम की पाबंदी करते उसे अहमियत देते हैं हर एक चीज से ज्यादा चर्च। हालांकि
हालात को देखकर जो लोग फैसले नहीं बदलते, खुदा के कलाम पर कायम है, हमने खुदा को नाराज नहीं करना। वक्त हो सकता है आप देख रहे सब कुछ खराब हो रहा है, यहां तक पहुंचने के लिए दानियल को 3 साल लग गए, एकदम नहीं हो गया, 3 साल लग गए। जो चलते रहते हैं अपनी जिंदगी के तमाम काम खुदा के कलाम के मुताबिक करते हैं, तमाम फैसले खुदा के कलाम के मुताबिक करते हैं, हालातों की परवाह नहीं करते, आप सोच भी नहीं सकते कि खुदा आपको क्या कुछ उसके इर्ज देने को। दानियल ने इरादा कर लिया, मैंने अपने आप को नबाब दिया, मैंने शाही खुराक खाकर अपने आप को नबाब दिया। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के सामने नबूकदनेस्सर बादशाह जो उसको एक अरसा पहले गुलाम बनाकर लेकर आया था उसके सामने सीधा। हालेलुया,